मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ अखबार बानी गॉसिप में। कैसा है कुछ इतने हसीन गाने का हाल चार दिन के बाद? चलिए आप लोगों को बताते हैं और आपसे पूछते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसका शायद आप जवाब देना काफी ज्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ इतने हसीन गाने के लिए भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड थे प्रियंकित फैंस, प्रियंका अंकित फैन, और ये गाना तो आ चुका है, अभी चार दिन हो चुके हैं। हालांकि बिग बॉस 16 में जिन जिन जोड़ियों को, इवन बिग बॉस के सीजन में जिन जिन जोड़ियों को जितना ज्यादा पसंद किया और पहला ही प्रोजेक्ट, पहला ही गाना जब भी सामने आया तब लोगों ने जो है इसके ऊपर अपने प्यार की बरसात जो है वो कर दी। हालांकि प्रियंकित की जोड़ी के ऊपर भी प्यार की बरसात जो है वो फैंस कर तो रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पीछे भी रह जा रहे हैं। चार दिन हो चुके हैं कुछ इतने हसीन गाने को, गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, लोकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रियंकित की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, और काफी ज्यादा मतलब कि रिपीट एंड रिपीट वर्ड्स नहीं है, सबसे मेन बात ये है। नहीं तो आजकल के गाने में एक ही वर्ड होता है जिसको रिपीट रिपीट कॉपी पेस्ट करके गाना ही निकाल देते हैं, ऐसा लगता है गाना अभी शुरू हुआ क्या, खत्म भी हो गया। पर ये गाना ऐसा नहीं है, सुनने में सुकून मिलता है। पर इस गाने को अभी भी ज्यादा व्यूज नहीं मिले हैं, बट अगर देखा जाए चार दिन में, चौथा दिन हो चुका है आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, 4.8 मिलियन जब मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके ऊपर लाइक्स जो है 2,86,000 और जो कमेंट्स जो है 46,000 आई हैं। तो अगर देखा जाए प्रियंकित का जितना क्रेज है उसके अकॉर्डिंगली तो मेरे हिसाब से ये भी व्यूज कम है, इससे भी ज्यादा व्यूज जो है प्रियंकित की जोड़ी डिजर्व करती है। आपके क्या विचार है बताइए जरूर, क्या आप लोगों को लगता है कि आज शाम तक, अभी 4.8 मिलियन है, आज शाम तक 5 मिलियन हो जाएगा ये गाना, क्या है आपके विचार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।